नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम के जस्ट समक्ष, जहां पे आप देख सकते हैं कि नगर निगम के जो कर्मचारी संघ के लोग हैं यहां पे आज धरने पे बैठे हैं। तो हम इन लोगों से ही जानेंगे कि क्या कुछ कहना, क्या कुछ मांगे हैं जो आज ये लोग काफ़ी तादाद में महिलाएँ और पुरुष जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी धरने पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, वही हम इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या कुछ कारण है आज आप लोग नगर निगम अनुकंपा का नियुक्ति? अनुकंपा पे नियुक्ति, अनुकंपा पे नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा पे नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन मेन है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है? समस्या ये है कि पारिवारिक पेंशन बंद है। जो निगम में नौकरी करते थे उनका, जो मर गए हैं उनको, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन बंद है, जो नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत, इससे ज़्यादा बहुत दिक्कत है। सब जो परिवार, सोचिए जो परिवार नहीं, किसी को एक रुपया नहीं है, वो कैसे जीवित जीवन यापन करेगा अपना। इसी हिसाब से हमारे नेताजी धरने पे हैं, उसका 25 तारीख को घेराव किया जाएगा। 25 तारीख को आप लोग रणनीति बनाए हैं घेराव करने, कहाँ घेराव कर रहे हैं? सचिवालय का घेराव होगा। सचिवालय का घेराव करने सोच रहे हैं? आपने किन्हीं को आवेदन दिया, किन्हीं से गुहार लगाई? सबको दिया गया है वहाँ पे, सचिव उचिव सबको दिया गया है, सारे सबको ही को दिया गया है। आपने नगर आयुक्त तक सबको दिया गया है। कुछ आश्वासन मिला वहाँ से आप लोग को? ये आश्वासन तो आप हमारे नेताजी बताएंगे क्या है, उस पर हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। क्या कुछ समस्या आ रही है भैया? क्या आपने किन्हीं को विज्ञापन दिया, किन्हीं से बात करने की कोशिश? देखिए, विज्ञा हम लोग का जो मांग है, हम लोग पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से कई बार आवेदन दिए मिलने के लिए, और वहाँ हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, मुख्य सचिव को दिए हैं, हम लोग के नगर विकास सचिव है उनको भी हम लोग दिए हैं। अब बहुत बार हम लोग दिए हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा हो। हम लोग बार बार हड़ताल नहीं करना चाहते, हड़ताल करने से जनता का काम बाधित होता है, निगम का कर्मचारी का छवि खराब होता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो हो हम लोग का फाइनल हो। अभी किसी से कुछ आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं है आज से तो हमारा अपने का काम करो, और आश्वासन किसी भी तरफ से नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं मिला किसी से भी, नहीं कोई आश्वासन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग का कहना कि ये मांग, हमारा जो मांग है वो नगर निगम से रिलेटेड नहीं है। नगर निगम का बोर्ड और नगर निगम का जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, हम लोग मांग को पूरा करना चाहता है, हमेशा से पूरा होते आया। लेकिन ये अनुकंपा का जो मैटर है, ये राज्य सरकार को इसमें डिसीजन लेना है। पारिवारिक पेंशन में राज्य सरकार को डिसीजन लेना है। राज्य सरकार निगम के कर्मचारी को नगरीय प्रशासन निदेशालय के अधीन भेज दिया है। नगरीय प्रशासन निदेशालय में बने हुए आज लगता है 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, लेकिन कभी भी नगर निकाय कर्मचारियों के साथ कभी बैठक नहीं किया गया, ना उसका प्रतिनिधि के साथ बैठक किया जाता है। आप आवेदन दीजिएगा, कार्रवाई हो रहा है, MSAP उसको देना है, बोरा कमेटी बनाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। नगर निगम में अनुकंपा पे बहाली नहीं होने का रीजन है कि बाहर का NGO आके यहाँ सर्वे करके चल गया, वो बोला 101 पद रहेगा नगर निगम में, खाली पदाधिकारी का पद रहेगा, फोर्थ गेट का पद नहीं रहेगा, थर्ड गेट का पद नहीं रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि 1532 जो लेटर नंबर है उसको विलोपित किया जाए, और नगर निगम का जितना 108 को कर्मचारी जो मर गए हैं उनके आश्रितों को नौकरी मिले, उनकी पत्नियाँ को पारिवारिक पेंशन मिले। हम लोग उच्च न्यायालय का घेराव नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट भवन का घेराव, हाँ, का 25 तारीख को उस प्रोजेक्ट भवन हम लोग उस दिन घेरेंगे, 25 तारीख को प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे हम लोग। क्या लगता है आप लोग किस पे जो मांगे अगर पूरी नहीं होगी? हमको पूर्ण भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी कर्मचारियों के प्रति उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। और चूंकि नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे सर नगर निगम में रहे और कर्मचारियों के समस्या से अवगत है, निश्चित कुछ ना कुछ अच्छा पहल होगी, इस बार हम लोग का मामला पूरा होगा। नरेश राम, अध्यक्ष, रांची नगर निगम कर्मचारी संघ। तो जैसा कि आपने सुना, अपनी मांगों को लेकर के ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, और इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री इनकी मांगों पर जरूर गौर फरमाएंगे, अगर नहीं गौर फरमाते तो 25 तारीख को ये लोग प्रोजेक्ट भवन के समक्ष जो है घेराव करने का भी काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।